हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ GTA 5। तो गाइस, आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके फेवरेट टॉप 10 यूट्यूबर्स आपस में लड़ाई करेंगे, और जो भी उस फाइट को जीतेगा उसको मिलेंगे पूरे के पूरे $10 मिलियन, ट्रॉफी और उसके साथ साथ एक कार। अब वो कार कौन सी होने वाली है वो तो आपको उसी वक्त पता चलेगा। फिलहाल गाइस, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, शाम तो हो चुकी है, वो प्रोग्राम आज रात को होने वाला है। फिलहाल मैंने ट्रेवर, फ्रैंकलिन और लेस्टर इन तीनों के पास भी फ़ोन कर दिया था, और वो किसी भी वक्त मेरे घर पे आने वाले होंगे। फिलहाल गाइस, मैं उन तीनों का ही वेट कर रहा हूँ, बस वो तीनों आ जाए और हम सीधा उस लोकेशन पे जाने वाले हैं जहाँ पे वो आज फाइट करने वाले हैं। तो गाइस, फिलहाल मैं कॉल करने वाला था, और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं ये तीनों के तीनों आ चुके हैं। और गाइस, लैम्बोर्गिनी यूरोस कितनी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। अब मैं एक काम करता हूँ, वैसे मैं इनके साथ भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी गाड़ी लैम्बोर्गिनी सियान को यहाँ से लेके जाने वाला हूँ। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपनी गाड़ी बाहर निकालता हूँ और इनसे कह दूंगा तुम मेरे को फॉलो करते करते मेरे पीछे पीछे आते रहो। सबसे पहले अपनी इस गाड़ी का FM ऑफ कर लेते हैं और अपनी गाड़ी को घर से बाहर निकालते हैं। तो गाइस, फिलहाल फाइनली हम अपने घर से निकल चुके हैं, और फ्रैंकलिन को आप देख ही सकते हो, बिल्कुल साथ साथ ही हमारे पीछे पीछे आया जा रहा है, क्योंकि मैंने इससे बोल दिया है कि तो बस सिर्फ मेरे पीछे ही पीछे आता रहे, और इनमें से किसी भी बंदे को, क्योंकि उस लोकेशन का वैसे भी पता नहीं है। और गाइस, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं हमारी लैम्बोर्गिनी सियान कितनी ज़्यादा खतरनाक तरीके से तेज भाग रही है। फिलहाल थोड़ा बहुत मुझे यहाँ से आराम से भी लेके जाना पड़ेगा, वरना अगर हमारी गाड़ी ठुक गई तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से मुझे थोड़ा सा लेफ्ट लेना है, वो लोकेशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन गाइस, फिलहाल मैं तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे पहुँच गया, लेकिन फिलहाल फ्रैंकलिन पता नहीं कहाँ पे रह गया। तो गाइस, फाइनली हम अपनी उस डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं, बस हमको यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट लेना है। और गाइस, इस बिल्डिंग के ऊपर ही आज हमारी वो फाइट होने वाली है। फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को यहीं पे खड़ा करने वाला हूँ, और एक काम करते हैं, इनको भी, इनकी गाड़ी को भी यहीं पे कहीं पे पार्क करवा देते हैं, और तीनों चलते हैं ऊपर। हमने अपनी दोनों की दोनों लैम्बोर्गिनी यहाँ पे पार्क कर दी है, और गाइस आप यहाँ पे देख ही सकते हैं किस तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है हमारे आने का। फिलहाल गाइस, काफ़ी ज़्यादा शोर भी हो रहा होगा, और ये पता नहीं फ्रैंकलिन कहाँ पे जा रहा है, हमको इस लिफ्ट से ऊपर जाना है। तो गाइस, फिलहाल हम उस बिल्डिंग के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पे देखो आप कितनी ज़्यादा पहले से ही भीड़ आ चुकी है, और ये वही लोकेशन है जहाँ पे हमारे वो टॉप 10 यूट्यूबर्स आपस में फ़ाइट करने वाले हैं। गाइस, वो फाइट किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। पहले आप यहाँ पे देखो कितने सारे बंदे आए हुए हैं, और यहाँ पे ये बंदा तो ऊपर ही चढ़ के बैठ गया बिल्कुल आराम से फाइट को देखने के लिए। फिलहाल गाइस, यहाँ पे कुछ कैमरामैन्स भी, और फ्रैंकलिन, ट्रेवर और लेस्टर तीनों मेरे साथ ही घूमे जा रहे हैं, और हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो ऊपर इस वाले कमरे में, आई थिंक, मेरे को पता नहीं है। फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अरेंजमेंट करवाया हुआ है फाइट के लिए। तो गाइस, अब जल्दी से उस फाइट का स्टार्ट होने का वेट करते हैं। तो गाइस, फिलहाल पूरा प्रोग्राम सेट हो चुका है, और ये तीनों के तीनों भी यहाँ पे आराम से खड़े हो चुके हैं। और गाइस, यहाँ पे देखो ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है उस मैच को देखने के लिए। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आखिर ये मैचेस होने कैसे वाले हैं। तो हमारे सामने इस वाले कमरे में टोटल 10 यूट्यूबर्स हैं, जो कि एक एक करके एक दूसरे से लड़ने वाले हैं, और आखिर में हमारे पास बचेंगे टोटल 5 यूट्यूबर्स, और आखिर में उन पांचों यूट्यूबर्स की लड़ाई होगी। मतलब जो भी उस मैच को जीतेगा उसको मिलेंगे पूरे के पूरे $10 मिलियन, एक ट्रॉफी और एक कार। कार कौन सी मिलने वाली है वो मैंने आपको अब तक नहीं बताया, वो जब उसको कार मिलेगी मैं आपको तभी बताऊंगा। तो फिलहाल शुरू के दो यूट्यूबर्स के आने का वेट करते हैं। तो गाइस, फिलहाल फाइनली हमारे सामने दोनों यूट्यूबर्स आ चुके हैं, जो ओ गाइस, फिलहाल फैक्ट टैग सीधा सीढ़ियों में भिड़ गए, जो कि है फैक्ट टैग्स और टेक्नो गेमर्स। फिलहाल गाइस, ये दोनों के दोनों प्लेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं, और थोड़ी देर में इन दोनों की फाइट होने वाली है। तो गाइस, अब मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाऊंगा, तब तक आप इन दोनों यूट्यूबर्स की फाइट को एंजॉय करो। What you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.
तो गाइस जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा फैक्टैक्स और टेक्नो गेमर्स के बीच कितनी ज़्यादा खतरनाक फाइट हुई। ये दोनों लड़ते लड़ते बिल्कुल मतलब एंड पे पहुंच गए थे, लेकिन अंत समय पे बिल्कुल भाई साहब टेक्नो गेमर्स ने फैक्टैक्स को धूल चटा दी और फिलहाल यहाँ पे बढ़िया तरीके से नाचने में मस्त है। फिलहाल गाइस यहाँ पे आप देख ही सकते हैं सेलिब्रेशन भी हो रही है। तो अब फिलहाल टेक्नो गेमर्स को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने का मौका मिलेगा। अब और दो यूट्यूबर्स ऊपर से आने वाले हैं फाइट करने के लिए। तो गाइस अब जो दो यूट्यूबर्स हमारे सामने आने वाले हैं वो है संदीप महेश्वरी और बीबी की वाइंस। फिलहाल गाइस आप सामने देख ही सकते हैं वो दोनों के दोनों यूट्यूबर्स आ चुके हैं। तो गाइस इन फायर क्रैकर्स को बंद करवाते हैं और इन दोनों की फाइट को एंजॉय करते हैं। तो गाइस फिलहाल हमारा सेकंड मैच भी कंप्लीट हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार था। फिलहाल मैंने अपनी गन क्यों बाहर निकाली है, इसको अंदर कर लेते हैं, जो कि था बीबी की वाइंस और संदीप महेश्वरी के बीच। फिलहाल भाई संदीप महेश्वरी को बीबी की वाइंस ने काफ़ी ज़्यादा गंदी तरीके से मार दिया है। तो गाइस अब इंतज़ार करते हैं तीसरे मैच का, और थोड़ी ही देर में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मैच होने वाला है, जिसके अंदर 5 यूट्यूबर्स एक साथ लड़ेंगे। बस 5 यूट्यूबर्स पहले फाइनलिस्ट बन जाएं। तो गाइस फिलहाल हमारे तीसरे मैच के लिए कंटेस्टेंट्स भी आ चुके हैं, जो कि है राउंड टू हेल और टेक्निकल गुरुजी। फिलहाल गाइस इन दोनों के बीच में फाइट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है और ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर इन दोनों में से कौन जीतता है। और थोड़ी ही देर में बस इसके बाद हमारे 2 मैचेस और बचे हुए हैं और उसके बाद होगा फाइनल मैच, जिसके बाद एक यूट्यूबर को मिलेंगे पूरे $10 मिलियन। तो गाइस फिलहाल हमारा तीसरा मैच भी कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर टेक्निकल गुरुजी ने राउंड टू हेल को काफ़ी बुरी तरीके से हराकर जिसमें जीत हासिल कर ली है। फिलहाल टेक्निकल गुरुजी भी मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं और नीचे बैठ चुके हैं, इसीलिए फिलहाल भाई तेरा कैमरा कहाँ गया, अब तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे तो यहाँ से निकल। फिलहाल गाइस इन दोनों बंदों को यहाँ से भेजते हैं और अपने अगले 2 यूट्यूबर्स को यहाँ पर बुलाते हैं। तो गाइस अगले दोनों यूट्यूबर्स भी हमारे पास थोड़े टाइम में पहुंचने वाले हैं, जो कि है अमित बड़ाना और आशीष चंचलानी। गाइस ये वाला मुकाबला काफ़ी ज़्यादा टक्कर का होने वाला है और इसके बाद बस हमारे सामने एक और मैच बचेगा, जिसके बाद हमको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मैच देखने को मिलेगा। फिलहाल गाइस उन दोनों यूट्यूबर्स का वेट करते हैं। You one thing that happens in there. Damn, man.
तो गाइस फिलहाल हमारा फोर्थ मैच जो था आशीष चंचलानी वर्सेस अमित बड़ाना वो भी कंप्लीट हो चुका है। और गाइस ये वाला मैच मुश्किल से 15 से 20 सेकंड भी नहीं चला और अमित बड़ाना ने आशीष चंचलानी को बहुत ही गंदे तरीके से धूल चटा दिया है। तो गाइस अब हमारे इस लिस्ट में सिर्फ आखिरी मैच बचा हुआ है और अब अमित बड़ाना को भेजते हैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए और अपने आखिरी मैच को जल्दी से स्टार्ट करवाते हैं। तो गाइस फिलहाल हमारे आखिरी मैच के लिए इंडिया के टॉप 2 यूट्यूबर्स भी सामने से आ रहे हैं जो कि है टोटल गेमिंग और कैरी मिनाटी। गाइस ये वाला मैच हमारे इस लिस्ट में आखिरी मैच है और इस मैच के बाद काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मैच होने वाला है। फिलहाल गाइस इन दोनों यूट्यूबर्स के मैच को देखना भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। देखते हैं इस आखिरी मैच को आखिर कौन जीतता है। तो गाइस फिलहाल हमारी टॉप 10 यूट्यूबर्स की फाइट में आखिरी वाले मैच के अंदर कैरी मिनाटी जीत चुके हैं, जिसमें भाई साहब अच्छू भाई ने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन वो जीत नहीं पाए। और गाइस सबसे ज़्यादा बुरी खबर ये है, हमारे एक कैमरामैन जो कि कैमरे को फेंक के बाद में गिटार बजाने लग गया था वो भी इस मैच के दौरान मर चुका है। लेकिन गाइस टोटल गेमिंग ने इस मैच के दौरान काफ़ी बड़ा एक स्कैम कर दिया था। वो इस मैच में अपने साथ एक चक्कू लेके आ गए थे जो कि मैच के अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी कैरी मिनाटी ने अपने पास कुछ भी ना होते हुए टोटल गेमिंग को बढ़िया तरीके से हरा दिया है और फिलहाल भाई पुशअप्स करने में लगे हुए हैं। तो गाइस अब टाइम आ चुका है हमारे टॉप 5 यूट्यूबर्स की फ़ाइट को एक साथ देखने का और गाइस ये वाली फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी होने वाली है। तो गाइस फिलहाल 5 यूट्यूबर्स हमारे सामने आ चुके हैं, जिनमें से कुछ यूट्यूबर्स तो बैठे हैं, कुछ यूट्यूबर्स अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं और कुछ यूट्यूबर्स डांस करने में लगे हुए हैं। फिलहाल गाइस बस कुछ ही देर है उस मैच को स्टार्ट होने में। तो गाइस इस वाले मैच में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इस वाले मैच के अंदर कोई भी प्लेयर गन के अलावा कुछ भी चीज़ इस्तेमाल कर सकता है और यहाँ पे जितना भी आइटम पड़ा हुआ है इसमें से किसी भी आइटम का इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्लेयर को मार सकता है, लेकिन गन्स अलाउड नहीं है, इसके अलावा सब कुछ अलाउड है। तो गाइस अब मैं आपको इस मैच के बाद मिलता हूँ। You better listen, I'm bringing heat, you'll be a fan when I start rapping.
flow's gonna be optimized. I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like a Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed, can't hold me down. I shape shift, I'm liquid, I kill this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence, so consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rock it, then I need it, cause no cap, and I be breaking this. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. तो गाइस फाइनली हमारा मैच कंप्लीट हो चुका है और उस मैच के विनर है कैरी मिनाटी। और गाइस जो मैं गाड़ी की बात कर रहा था कि मैच के विनर को एक गाड़ी गिफ्ट में मिलेगी, और गाइस हमने इनको इनकी ट्रॉफी और इनके पैसे $10 million इनको दे दिए हैं, और अपनी कार को भी यहाँ से लेके जाने वाले हैं। फिलहाल गाइस आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा एंड में खतरनाक सीन हो गया था। फिलहाल दोनों के दोनों प्लेयर सीधा यहाँ से नीचे गिर गए थे, मतलब मेरे को तो देखने में भी यहाँ से डर लग रहा है। और वहाँ पे ही पहुँच गए, मतलब कैरी मिनाटी जहाँ पे टेक्नो गेमर्स नीचे गिरे थे। फिलहाल गाइस आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप फ्यूचर में ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।